Today I'm here again with class 12 history, theme number 4, thinkers, beliefs and buildings. That is, हिंदी में इसको बोलते हैं विचारक, विश्वास और इमारतें. इस चैप्टर में भी आप देखेंगे कि तीन टर्म्स को यूज़ किया गया है. देर आर थ्री टर्म्स लाइक थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स. व्हाई द हिस्टोरियंस आर यूजिंग अगेन थ्री टर्म्स, क्यों हिस्टोरियंस ने इसको यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर आप तीन सेक्शन में चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं. पहला है थिंकर्स. थिंकर्स वो लोग, विचारक वो लोग जो अपने चिंतन से, अपनी न्यू फिलॉसफी से न्यू थॉट से और न्यू लॉजिक से लोगों के बीच में फेद विश्वास को जन्म देते हैं, जिससे कि उस विश्वास के बेस पर ही इन थिंकर्स के फॉलोअर्स बनते हैं. और यही फॉलोअर्स अपने इन फिलोसोफर्स, इन थिंकर्स की प्रेज में या उनकी प्रीचिंग्स को, उनकी शिक्षाओं को ध्यान में रखकर उनके लिए बिल्डिंग्स बनाते हैं, जिनसे कि उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को वो और अधिक फैला सके, उनको स्प्रेड आउट कर सके. और बिल्डिंग्स में चाहे वो स्तूपास हैं, चाहे वो टेम्पल्स हैं, दे आर ऑल बिल्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ दीज थिंकर्स. इसलिए चैप्टर का नाम थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स है. तो फर्स्ट वी विल टेक द थिंकर्स ओनली. तो सबसे पहले हम थिंकर्स लेंगे. थिंकर्स, जैसे मैंने अभी बोला, अपने थॉट्स, अपने लॉजिक्स, अपने तर्कों और अपने चिंतन की वजह से कई तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं. हम अगर उस समय की बात करें, 600 BCE से 600 CE तक, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बात करें, तो उस समय तक जो समाज में व्यवस्था थी, दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक ट्रेडिशंस. वो सब कुछ वैदिक ट्रेडिशंस जो पहले से चले आ रहे थे, उस वही सिस्टम फॉलो हो रहे थे 600 ईसा पूर्व तक. और इन वैदिक ट्रेडिशंस में जो ब्राह्मण्स थे उनका कंट्रोल था. हमने पहले चैप्टर्स में देखा है कि ब्राह्मण्स ने ही सारे टेक्स्ट लिखे हैं, चाहे वो धर्मशास्त्र हैं, धर्मसूत्रास हैं. तो ब्राह्मणिकल कंट्रोल वॉज स्टिल एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी एंड देर वर सेक्रीफाइसेस विच हैव टू परफॉर्म बाय द किंग्स एंड इवन बाय द ले पर्सन्स. और जो किंग्स थे वो तो दो तरह के सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, दैट वॉज राजसूया एंड अश्वमेधा यज्ञ. ये दोनों ही सेक्रीफाइसेस राजाओं को करना पड़ता था, और राजा इन सेक्रीफाइसेस को, इन यज्ञों को करने के लिए ब्राह्मण्स पर डिपेंड करते थे, उन्हीं पर निर्भर रहते थे. इसलिए थिंकर्स का कुछ क्वेश्चन थे, उनके कुछ प्रश्न थे जो वो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखते हुए पूछ रहे थे. और इस समय के दो बड़े थिंकर्स हुए हैं इंडिया में, एक थे वर्धमान महावीरा और दूसरे थे बुद्धा. दिस इज महावीरा एंड दिस इज बुद्धा. ये दो थिंकर्स हुए हमारे 600 BC में 600 CE तक, जिन्होंने अपने विचारों से, अपने थॉट से लोगों के बीच में बहुत सारे लॉजिक्स को रखा, और जो उस समय की बातें चल रही थी समाज में उस पर कई प्रश्न खड़े कर दिए. ये लोग, ये थिंकर्स, ये लोग अगेंस्ट थे, विरोध करते थे किन चीज़ों का? वैदिक ट्रेडिशंस का, कास्ट सिस्टम का. और इनका प्रश्न था, जो ब्राह्मण से बेसिकली ये पूछना चाहते थे, कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ
क्या है जिसका आंसर देने के लिए इनको कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए इन्होंने अपनी फिलॉसफीज को, अपने आइडियाज को जगह जगह घूमकर, दे ट्रैवल अलॉट ऑल ओवर द इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वहाँ इन्होंने अपनी टीचिंग्स को, अपनी शिक्षाओं को अपने लॉजिक्स के थ्रू, दे डिड द डिबेट्स विद द एग्जिस्टिंग गुरुज और संतास, एंड दे नेवर गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज लाइफ. सो दे स्टार्टेड देयर ओन teachings among the masses so that people should come out the problems of their lives. तो सबसे पहले हम महावीरा को लेंगे जिन्होंने इस समय लोगों के बीच में अपनी शिक्षाओं को रखा. महावीरा भी 600 BCE में exist करते हैं, 600 BC में ही हुए थे, और ही वॉज 24th तीरंथकर और तीरंथकारा ऑफ जैना सेक्ट. दैट मीन्स जैना सेक्ट यानी कि जैना संप्रदाय जो है पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, और 23 तीरंथकर इनके हो चुके थे और ये 24वें तीरंथकर थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तीरंथकर? अ पर्सन who guides the people to across or help the people to across the river of life. The river of life. What does it mean? उस समय क्या था कि ब्राह्मण्स कहते थे कि वर्णा फिक्स है ऑक्यूपेशन के बेस पर भी और बर्थ के बेस पर भी, तो जो जैसा कर्म करेगा उसको पुनर्जन्म जो मिलेगा वो उसी वर्णा में या उसी जाति में पैदा होगा. और ये लोग कह रहे थे नहीं, इस तरह के रिबर्थ के साइकिल से या कर्मा थ्योरी से लोग फ्री हो सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें ह्यूमन बींग ने बनाई हुई हैं एंड दे कैन चेंज इट ऑल्सो, वो इसको बदल भी सकते हैं. तो महावीरा ने ये बात कही और उन्होंने जो सबसे पहली बात कही बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी टीचिंग्स में. द टीचिंग्स ऑफ महावीरा आर, फर्स्ट, द वर्ल्ड इज एनिमेटेड. एनिमेटेड मीन्स प्राणिक. सारा संसार प्राणवाद है, सब में प्राण है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो चट्टान है, चाहे वो जल है, सब में प्राण है. और इसीलिए अगर सब में प्राण है तो किसी को भी आप हार्म नहीं करेंगे, नॉन इंजरी टू एवरीवन, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, नॉन इंजरी. यहीं पर अहिंसा का कॉन्सेप्ट जो कि एक सेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ जैना सेक्ट है यहीं पर आ जाता है. और चौथा उन्होंने बोला कि वी हैव टू फ्री आवर सेल्फ फॉर आवर सेल्फ फ्रॉम द सॉरोज ऑफ लाइफ. हमें अपने सॉरोज से अपने आप को फ्री करना है और वो कर्मों की वजह से ही हमें मिल रहे हैं, इसलिए हमें अपने आप को उनसे फ्री करना है. और अगर आपको उन सॉरोस से और रिसाइकल ऑफ बर्थ से या कर्मा थ्योरी से बचना है तो आपको विहारास या मोनेस्ट्रीज जो जैना कॉन्सेप्ट में थी उनको ज्वाइन करना पड़ेगा. दैट इज यू हैव टू ज्वाइन द मोनेस्ट्रीज एंड विहारास ऑफ जैना सेक्ट and you will get the free life and you will come over your sorrows through the viharas. But after joining the viharas you have to follow 5 vows. Vows ek tarah ke shapath hai ya niyam hai, ye rule hai ki agar aap vihar join kar lenge to aapko kya karna hai, aapko kya karna hai? First, abstain from किलिंग. किसी को भी आपने मारना नहीं है, अपने आप को
इस चीज से दूर रखना है। छोटे से छोटे इंसेक्ट को भी नहीं आपने हार्म करना है। आपने देखा होगा कि जेनासन जो है वो फेस पे मास्क लगा के रखते हैं, आजकल तो हमने कोविड की वजह से लगा रखा है, लेकिन जेनासन पहले से इसको लगा के रखते हैं कि उनके सांस लेने से भी कोई छोटा सा छोटा जीवाणु भी कहीं हर्ट ना हो, कहीं उसको नुकसान ना हो। दूसरा वाव था नेवर लाई और अब्सटेन फ्रॉम लाइन, झूठ नहीं बोलना है। द पाथ ऑफ ट्रूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रीडम ऑफ योर सोरो। एंड स्टीलिंग नहीं करना है, स्टीलिंग अब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग। फोर्थ वॉज यू शुड डू पेनेंस। पेनेंस का मतलब होता है वैराग्य, सब चीजों से आपको वैराग्य लेना है और उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, एस्टिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ वॉज no possessing of property। property यानी कि आप कोई भी वेल्थ को अपने जमा नहीं करेंगे, संचय नहीं करेंगे। if you want to free yourself from the sorrows of your life you have to take these five vows being the member of monastery of Jaina sect or vihara। so these was the teachings of Mahavira। This is very important in this video। I will take this much only। See you in the next video।